ਏਦਾਂ ਉਹੀ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਰੀਚ ਬੜੀ ਫਾਰ ਤੇਰੀ ਲੱਗਣੀ ਨਿਕਾਲ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੁੱਡ ਜਿੱਤ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਲ, ਲਾਲੀ ਸ਼ਾਹੀ ਅੱਖ ਜਿੱਤ ਸ਼ੇਖਾਂ ਜਿਹੀ ਚਾਲ, ਮੁੰਡੇ ਗੱਡੀ ਚ ਬਰਾਉਨ ਗੱਡੀ ਘੁੰਮੇ ਤੇਰੇ ਟਾਊਨ, ਹਾਈ ਹੋਈ ਆ ਮੰਡੀਰ ਹਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰੇ ਸਾਊਂਡ, ਇੱਥੇ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਤੇ ਯੂਕੇ ਰੱਖਾਂ ਪਾਉਂ ਕਦੇ ਸ਼ਰਿਆਮ। Hello guys, welcome back to my channel. This is Himanshu Gulati again here. भाई व्लॉग वगैरह छोड़ दिया था, एक साल हो गया मुझे कम से कम, मैं आप लोग बोलोगे कहीं गायब हो गया था, जॉब पे फंस गया था, बहुत बिजी हो गया था यार, बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था मैं, बट अब लौट आया हूँ, व्लॉग बनाऊँगा, स्टार्ट करूँगा दोबारा से डेली व्लॉगिंग, डेली व्लॉगिंग नहीं बोलूँगा, अभी भी मेरी जॉब चल रही है, मैं जॉब छोड़ के व्लॉगिंग नहीं कर सकता, इतना पैसा मेरे पास नहीं है भाई, बट हाँ मैं इतना बोल सकता हूँ कि मेरा हफ्ते में 2-3 व्लॉग मैं बनाऊँगा। तो भाई अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि एक साल से मैं गायब था, क्यों नहीं ब्लॉग पे पोस्ट किया, कहाँ था, तो भाई मैं जॉब कर रहा हूँ नोएडा में, और भाई जॉब बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर चीज़ घर वालों के पैसों पे नहीं होती है, तो भाई मैंने जॉब करी, अब मेरी ख्वाहिशें होती है, सबकी ख्वाहिशें होती हैं तो जरूरी, और इस एज में तो सब लोग की होती है कि भाई ये लूँ, बाइक की चीज़ें हो गई या कुछ भी चीज़ें हो गई, भाई मैं हर चीज़ के लिए घर वालों को नहीं बोल सकता, एक एज के बाद अच्छा भी नहीं लगता है बोलना, तो भाई मैं अभी जॉब कर रहा हूँ फिलहाल, बट ब्लॉग कंटिन्यू रखेंगे। और गाइज एक और चीज़, मैंने एक नई बाइक ली है, ठीक है, वो इंस्टाग्राम वगैरह पे पिक्चर जरूर डाल दूँगी, बट लास्ट ब्लॉग जो मैंने डाला था इसमें यूट्यूब में, वो मेरे को अच्छे से याद है कि मैंने एवेंजर में ही डाला था, तो मैंने भी बाइक ली है, वो भी आप लोग को इस ब्लॉग में दिखाऊंगा कौन सी बाइक ली थी मैंने, इतना बिजी था भाई कि मैंने मतलब बाइक ली तो उस चीज़ का ब्लॉग भी नहीं बनाया, 10 घंटे की जॉब होती है भाई मेरी, नोएडा में ही हूँ मैं, और भाई इस चीज़ के लिए सॉरी कि भाई मैं क्लिप काट के डाल रहा हूँ, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा मेरे से मतलब एक बार में सब कुछ नहीं बोला जा रहा है ऑन कैमरा देख के, क्योंकि अभी कॉन्फिडेंस भी नहीं रहा है यार, बहुत टाइम हो गया ब्लॉग बना रहे, पर ये कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा भाई, तो पता है थोड़े टाइम में भाई का कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। ये सैंकीज को मैंने बताया कि भाई ब्लॉग दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, ये काफ़ी खुश है भाई, बोल रहा है ऑफिस जा जो भी भाई ब्लॉग बनाएगा, ये भी मेरे साथ रहता है, ये देखो भाई वही वाले लॉन्डे की तरह नहीं लगता जो भरे भाई 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 वाला एक ही जान से भाई, और बताइए कमेंट करके कि लगता है कि नहीं लगता, हमारा डॉगी डॉलर आ गया, डॉलू कौवा डॉलर आ गया भाई, जहाँ जाएंगे वहाँ डॉलर, डॉलू डॉलू आ जा, शर्मा रहा है व्लॉग में आने में भाई, आ जा जल्दी आ जल्दी आ। तो भाई ये है मेरा डॉगी, ओए से हाय टू माय सब्सक्राइबर्स, इधर आ ओए, दिन भर सोता है भाई, तो भाई कब नाइट शिफ्ट होती है ना, तो भाई दिन भर मेरे साथ सोता है और रात को शैंकी के साथ सोता है, बस इसका यही है भाई, 24 घंटे सोता रहता है ये, हरकतें ठीक रकम नहीं। हाँ भाई अभी रिसेंटली पता नहीं कितने लोगों को तो उसने काट दिया, सोसाइटी में अलग कलेश कर रखे हैं इसने भाई, गार्ड को पकड़ लिया, लौंडे पकड़ लिए भाई, देख रहे हो तुम छोटा सा है भाई, एक साल का, पर बड़ा हरामी है ना, हरामी है ना तू। भाई जी है मेरा हेलमेट एग्जॉर का वेनमस, काफ़ी मोटर ब्लॉगर्स वगैरह यूज़ करते हैं इसे, आपने देखा होगा वीडियोज़ में, और काफ़ी अच्छा हेलमेट है, सेफ्टी वाइज भी बहुत अच्छा है, इसके वाइजर में थोड़े बहुत स्क्रैचेस आ गए हैं क्योंकि मैं काफ़ी ट्रैवल करता रहता हूँ, अभी लास्ट टाइम मैं कसौल गया था, उससे पहले बद्रीनाथ गया था, नई बाइक पे गया था, और जब मैंने नई बाइक ली थी तभी मैंने हेलमेट लिया था, तो इसमें स्क्रैचेज वगैरह आ गए हैं, तो मैं करोल बाग से चेंज कराऊँगा डेली वे जाके, और बाकी मैं देहरादून वगैरह भी जाता रहता हूँ, तो बाइक से मैं प्रेफर करता हूँ ज़्यादा जाना, तो क्योंकि घर है मेरा वहाँ पर ऑब्वियसली जाऊँगा, और दोस्तों से भी मिलने जाता रहता हूँ, और ये इस में मैंने, और ये देखो ये तो शेड्स हैं, ये तो इसमें पहले से ही थे, बाकी इसमें मैंने काम करवा रखा है हेलमेट में, बाकी जो वो है ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बटन्स वगैरह हैं, और कोई सिस्टम लगा हुआ है इसकी, यहाँ पे माइक है इसका, और ये ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है, मतलब कॉल्स वगैरह अगर आपको उठानी हो, ये स्पीकर्स लगे अंदर, और बाकी गाने वगैरह जो सुनने हो तो उसके लिए है, वैसे तो राइड करते हुए गाने सुनना सेफ़ नहीं है, बट स्टिल लंबे रूट पर जा रहे हो तो कभी कभी सुन लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये माउंट है गाइस जो अब यहाँ पे लगेगा, ये तो मैंने वैसे बहुत कम यूज़ करता था क्योंकि व्लॉग वगैरह बंद कर दिया था बनाना, जब जाता था कहीं ट्रिप पे तभी लगाता था, बट अब मैं इसको लगाऊंगा, परमानेंट लगा रहेगा क्योंकि अब व्लॉग चालू रहेगा, ये लग गया अब इसमें माउंट, अब फ़ोन लगाएंगे और व्लॉग बनाएंगे, बस रिस्क रहता है थोड़ा सा कि डर लगता है कि फ़ोन ना गिर जाए इससे चलाते हुए बाइक से, मेरे पे अभी S21 Pro है सैमसंग, उसी से वीडियो बन रही है, बस अब सेफ्टी के साथ ही चलेंगे, अभी इसको अच्छे से टाइट तो कर दिया, वैसे तो नहीं गिरना चाहिए फ़ोन भी। तो भाई शाम के 6:30 बज गए हैं और मैं जिम के लिए रेडी हो गया हूँ, और दिखा देता हूँ मैं आपको ये कि भाई मैं जिम के साथ अभी तो फ़िलहाल मेरा कोई प्रोटीन वगैरह नहीं चल रहा है और ना कोई गेनर वगैरह चल रहा है 1-1.5 महीने से, तो मैं एक इस पर ज़िंदा हूँ और एक इस पर। तो भाई ये BC AA है डॉक्टर्स चॉइस का, EAA है डॉक्टर्स चॉइस का, BC AA मैं पहले चला रहा था, और ये है क्रिएटिन जो कि ऑन का है, अभी यही दोनों चीज़ें चल रही हैं। तो गाइस निकल गए हम जिम के लिए, ये देखिए ये पार्किंग, ये है नई वरना
तो इसके लिए कैसे रिव्यूज़ हैं आपके, कमेंट करके बताइए। तो गाइस, मैंने आपको जैसे बोला था कि मैं आपको अपनी बाइक दिखाऊंगा, तो भाई ये तो टाइम आ गया है, जो बाइक दिखाऊं सामने खड़ी है। आई विल शो यू माई बाइक इन द काउंट ऑफ 3, 2, 1। भाई दिस इज चावा ESD एडवेंचर। कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी बाइक, और आपको मतलब हिमालयन से बेटर लगती है कि नहीं। वैसे तो भाई मेरे को कोई कंपैरिजन नहीं लगता हिमालयन और इससे, क्योंकि हिमालयन में कोई इतने खास फीचर्स नहीं है, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं। देखिए आपको जैसे दिखाता हूँ, ऑफ करके स्टार्ट करते हैं दोबारा से। इसमें ऑफ रोड मोड है, रेन मोड है, और नॉर्मल जो रोड मोड चलती है। ABS कंट्रोल कर सकते हो आप पूरा, सब चीज़ें सिस्टम है। और भाई UK 07 नंबर, भाई इसके लिए मैंने 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए। मैं नोएडा में रहते हुए भी देहरादून गया था बाइक लेने, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नंबर। UK 07 चाहिए था, इसीलिए गया था वहाँ पे। यहाँ पे मेरे को ये 2,50 की पड़ रही थी, वहाँ पे मेरे को 2,60 की पड़ी। इतना दूर भी गया और 10,000 एक्स्ट्रा भी दिए सिर्फ और सिर्फ UK 07 के लिए। और यार बाइक अभी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, वरना मैं आप लोग को इसके सिनेमेटिक शॉट ज़रूर दिखाता इसके बाद। बट अभी साफ़ होगी अच्छे से, तब मैं आपको इसके सिनेमेटिक शॉट दिखाऊंगा। तो अभी चलते हैं, जिनके लिए लेट हो जाएगा वरना। Let's go. तो गाइस ये है मेरा जिम, जो कि नोएडा में ही 118 सेक्टर में पड़ता है। जिम से वापस आ गया, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और लेग्स मार रहा था, तो भाई हालत ही ख़राब हो गई मेरी। तो अब यहाँ पे हवा चल रही है, अच्छा लग रहा है। अब जाऊँगा, टाइट लूँगा, थक गया हूँ भाई। कट्टू देखो भाई, कट्टू कटिया की बॉडी। तो ये उस टाइम सो रहा था, आपको इसका इंट्रोडक्शन नहीं करवाया था। ये आप देख लो भाई, तगड़ी बॉडी हो रखी है। चल के दिखा दे एक भाई वॉलीबॉल। भाई हाफ शर्ट पे बहुत ही तगड़ा वर्ग है। शेंगी कहाँ है गया? अच्छा तो भाई जी है नॉर्मल जी राइट, मेरी ओट्स है, स्प्राउट्स है, पनीर है, दही है, ये मैं अपना खाता रहता हूँ डेली। और अब ये बना के खाऊंगा मैं कुछ। तो गाइस आज के व्लॉग के लिए इतना ही, क्योंकि अब मैं डाइट बना के खाऊंगा, तो भाई ये तो 20 मिनट से ऊपर का व्लॉग होने वाला है, इसलिए अब ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, और एक दिन मैं पूरा जिम का बताऊंगा आप लोगों को कि जिम करूंगा, उसके बाद पूरी डाइट लूँगा, वो पूरा जिम का ही व्लॉग रहेगा, उसमें मैं दिखाऊँगा कि डाइट में क्या क्या खाता हूँ ऑल। अभी के लिए बस करते हैं। और भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। गड्डी चबराऊं गड्डी घूमे तेरे टाउन, हाई होई या मंडीर हाई, गड्डी करे साउंड ते खुले रखा डालर ते यूके रखा पाऊं, कदे शरे आम कदे अंडर।